हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल फोर पहले चैप्टर का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल फोर है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। तो क्या करेगा, आप लोग देखे होंगे मिठाई की दुकान पर जो है परात में ऐसे ढेरी बना के रखे रहते हैं मिठाइयां, एक के ऊपर एक, ऐसे एक दो तीन या जितने की भी ऐसे, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे ढेरी बना के मिठाइयों की ऐसे रखे रहती हैं। ढेरी बना के ऐसे रखी रहती है। तो इसमें क्या कंडीशन है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, मतलब कि जितनी भी ढेरियां होनी चाहिए सब में बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ढेरी में पांच है, किसी में एक है, किसी में चार है, इक्वल होना चाहिए। अगर एक ढेरी में बर्फियों की संख्या पांच है तो सारी ढेरियों में बर्फियों की संख्या पांच होनी चाहिए, एक कंडीशन ये हो गया। और ढेरियां इस हिसाब से बनाना है कि वो बर्फी जो परात में न्यूनतम स्थान घेरे। मान लो 420 और 130 है, इसको थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो हम लोगों के पास ये मान लेते हैं 12 काजू की है और 8 बादाम की है। छोटा एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का क्या कह रहा है। अगर डायरेक्टली बता दिया जाए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी, समझ में नहीं आएगा कि कहां से क्या निकल रहा है। 12 काजू की बर्फियां हैं और 8 बादाम की। अब यही कंडीशन सोचते हैं कि हमको क्या करना है, ढेरी बनाना है, परात में रखना है ढेरी बना बना के। तो क्या कर सकते हो आप, एक एक की ढेरी बना के रखो, एक 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 करके रखो। फिर क्या हो सकता है, दो दो के करके रखो। तो दो दो के करोगे तो इसकी 6 ढेरियां बनेंगी और इसकी 4 ढेरियां बनेंगी। तीन तीन की आप अगर ढेरी बनाना चाहो तो तीन तीन की ढेरी बनाओगे तो इसकी 4 ढेरी बनेगी और इसकी तीन तीन की जब ढेरी बनाने आप चलेंगे तो तीन तीन हो, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। तो इसमें जब तीन तीन की ढेरी आप बनाने चले तो क्या हुआ, तीन तीन की ढेरी बनाने, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान नहीं है, क्योंकि जब 8 बादाम को आप की बर्फी को तीन तीन की ढेरी बनाए तो दो ढेरी तो आपकी कंप्लीट होगी और एक में 2 बचेगा। तो आप दो दो की ढेरी बना सकते हैं उस कंडीशन के हिसाब से, तीन की ढेरी नहीं बना सकते। 4 की अगर ढेरी बनाए तो 4 की ये 3 ढेरी बनेगी और ये 4 की 2 ढेरी बनेगी। इसमें वो कंडीशन है कि सब ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है। अगर 5-5 की बनाएंगे तो 5-5 की 2 ढेरी बनाएंगे, 5×10 और अगली ढेरी में 2 हो जाएगा तो वो भी नहीं चलेगा। तो अब हम लोगों को थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि करना क्या है, हम लोग चाहते क्या है। एक एक की ढेरी बना सकते हैं, लेकिन हमको ये भी देखना है कि ढेरी में बर्फी उतनी रहे कि परात में स्थान कम से कम, अगर एक एक की बनाएंगे तो बहुत सारा जगह घेर लेगा ना। तो हमको क्या करना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या कि जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। क्योंकि जब उस संख्या से दोनों नंबर जब पूर्ण पूर्ण डिवाइड हो जाएंगे, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ढेरियां जो है एग्जैक्ट बन पाएगी। जैसे 4 की ढेरी, यहां 4 इसको भी विभाजित करता है, 8 इसको भी। और ध्यान से देखें तो 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 4×3=12, 4×2=8। 4 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो 12 और 8 दोनों को विभाजित कर दे पूरा पूरा। तो पूरा पूरा विभाजित करेगा तभी प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहेगी। और वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बताएगी, बड़ी से बड़ी संख्या जब निकाल लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या करेगी, परात में न्यूनतम स्थान घेरने की कंडीशन को हमारा सेटिस्फाइड करेगी। तो हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना है कि
पहली बात तो ये करना है कि वो नंबर निकालना है जो 420 और 130 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और वो क्या होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। तो दो संख्याओं के लिए आपको अगर ये निकालना हो कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो, तो इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही यही होता है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड, और सबसे बड़ा गुणनखंड सार उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा जो गुणनखंड दोनों को, यानी वो संख्या जो दोनों को, तो हम लोगों को क्या निकालना है यहां पे, एच सी एफ आर 420 और 130, ये हम लोगों को समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 420 को भी डिवाइड कर दे और 130 को भी डिवाइड कर दे, तो उतने की ढेरी अगर वो बनाएगा तो ढेरी कंप्लीट बन जाएगी, क्योंकि ढेरी बन जाएगी, मान लो 10 आया तो ये पूरा पूरा ढेरी बनाएगा ये भी, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, और वो बड़ी से बड़ी संख्या है तो उससे ज्यादा बड़ी संख्या की ढेरी बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे HCF निकालना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं हम लोग, कैसे HCF निकालते हैं, HCF आप 420 और 130 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 420 और 130 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, 420 और 130 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग देखते हैं कि दो, इससे पहले देख चुके हैं दो नंबर पे कैसे लगाते हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, बड़ी वाली को छोटी वाले से डिवाइड करते हैं और फिर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बड़ी संख्या क्या है, 420 बड़ी संख्या है, आप क्या करोगे 130 से डिवाइड करोगे, तो ये 13 ये 42 ये कितनी बार जाएगा, 13 3 39, चार बार करोगे तो नहीं, 13 3 39 390 घटाओ 12 में से 9 गए 3 30 क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो हम लोग 420 को कैसे लिख सकते हैं, भाज बराबर 420 में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 130 गुणे 3 प्लस शेषफल 30। तो ये हम लोग तब तक करते जाते हैं तब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, और जिस स्टेप में शेषफल जीरो आता है उसका भाजक ही क्या होता है, वो HCF होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है या शेषफल जीरो नहीं है, शेषफल जीरो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ये भाजक और शेषफल पे लगाएंगे, तो 130 और 30 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, दो नंबर पे 130 और 30 पे लगाना है, तो क्या करोगे आप, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, 130 बड़ा नंबर है, 30 को क्या करोगे, 30 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा, 3 4 12, चार बार करेंगे तो ये 120 हो गया और ये 10 ये शेष आगे वाले, तो फिर वही भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 130 बराबर भाजक क्या है आपका 30, भागफल है 4 प्लस शेषफल क्या है 10। यहाँ पे फिर शेषफल जीरो नहीं आया, तो शेषफल जीरो नहीं आया तो फिर शेषफल और भाजक पर फिर लगाएंगे, यानी 30 और 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, 30 और 10 पर तीस
30 और 10 पे लगाएंगे तो 30 बड़ा नंबर है, 30 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 यहाँ 30, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो आ गया। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये भाज्य है, भाजक क्या है आपका 10 से भाग भाग दे रहे हैं वही भाजक है, भागफल क्या है जो आया है, शेषफल क्या है जीरो है, तो यहाँ पे शेषफल आ गया जीरो। तो जिस स्टेप में शेषफल जीरो आता है उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है HCF होता है, तो HCF क्या हो गया आपका 2, 10, यानी 10 बर्फियों की 10 बर्फियों की वो ढेरियां अगर बनाएगा तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। कौन सी कंडीशन, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहेगी क्योंकि 10 इसको भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, इसको भी डिवाइड कर देगा, और 10 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड, 10 से कोई बड़ी ढेरी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा पूरा ढेरी बनेगा नहीं, एक बनेगा फिर आप क्या हो जाएगा किसी लास्ट ढेरी में जाके कुछ कम आ जाएगा, तो 10 की ढेरियां बना सकता है, यानी 10 की ढेरियां बनाना चाहिए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 1.1 में, हम लोग उसको लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे 616 सैनिक है, उनको क्या करना है मार्च करना है, और वो लाइन से जो है करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे जितने की लाइन रहेगी स्तंभ, मान लो कि 10 सैनिकों की मान लीजिए है, तो सब में क्या होने चाहिए 10 सैनिक होने चाहिए, सब में 10 सैनिक होने चाहिए और ना कम ना ज्यादा, या अगर 5-5 सैनिक है तो 5-5 सब में होने चाहिए। जैसे इसका पिछला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लेते हैं दोबारा, कि इसमें क्या है आप एक एक सैनिक का वो बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि स्तंभ जो है स्तंभ छोटे हो जाएंगे, एक एक सैनिक का स्तंभ होगा, दो दो को बनाएंगे तो छोटा होगा, तो हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 616 को भी डिवाइड कर दे और 32 को भी डिवाइड कर दे। अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए तो हम उतनों की स्तंभ रखें, मान लो कि वो संख्या 12 आ गया तो 12-12 की लाइन रखेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हमको बेसिकली निकालना क्या है, HCF निकालना है। HCF आप 616 और 32, 616 और 32 का HCF निकालना है, मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 616 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे, बस उतनों सैनिक की हम लोग लाइन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि सब में समान रहेगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयता से हम लोग क्या देखते हैं कि HCF निकालने का क्या तरीका होता है, हम क्या करेंगे 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयता लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयता हम लोग दो नंबर पे कैसे लगाते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, हम लोग क्या करते हैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ 616 को क्या करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे, दो बार करेंगे तो 64 हो जाएगा, एक बार जाएगा ये 32, घटाएंगे आप 6 11 से 2 गया 9
पांच से तीन गया दो और ये छह यहाँ पे उतर गए। 32, 11 से 2 गया 9, 5 से 3 गया तो 296। अब कितनी बार जाएगा, 3, 32 दाम 320 होगा। अगर 9 बार करें तो 32 9 या कितना होगा, 9 दुनिया 18 के 8, अब 9 3 27 28 288, ये 9 बार जाएगा। तो 9 दुनिया 18 के 8, अब 1 9 3 27 या 28 288, तो 16 से 8 गया 8, यहां से क्या हो गया 0, यानी 8 पे आ गया शेषफल आ गया। तो हम भाज बराबर भाजक गुणे भागफल को शेषफल लिखेंगे, तो भाज यानी यहाँ पे क्या है 616, भाज बराबर भाजक क्या है आपका 32 गुणे भागफल क्या है 19 प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 8। तो यहाँ पे शेषफल जो आपका है ये 0 नहीं आया है, शेषफल अगर 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही HCF होता है, लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आता तो भाजक और शेषफल पर फिर हम वही लगाते हैं युक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो 32 और 8 पर युक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर युक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर 32 और 8 पर लगाएंगे तो क्या करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौ 32 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल क्या आ गया 0। तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे तो 32 बराबर क्या, भाज बराबर भाजक क्या है आपका 8 है, भागफल क्या है 4 और शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया आपका 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो जो भाजक है, भाजक यहाँ पे क्या है 8, जिससे भाग दिए हैं आप लास्ट स्टेप में, वही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, यानी HCF आपका क्या आ गया ये 8, यानी 8 8 सैनिकों की लाइनें बनेगी, मैक्सिमम अधिकतम एक लाइन में 8 सैनिक हो सकते हैं, तो सब में क्या रहेगा इक्वल इक्वल सैनिक पड़ जाएंगे, क्योंकि 8 जो है दोनों 616 और 32 दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। आप दो दो की भी कर सकते हैं, 4 की भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होगी। तो यहीं तक हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, इसके बाद में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।